तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम चोपड़ा जी। आज थैंक 6 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के मौके पर आप हमारे साथ जुड़े। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स इस समय हमारे साथ अटैच्ड हैं, क्योंकि तो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मैं बताऊं, 6 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स मनाया जाता है फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो अगस्त 2013 को यूनाइटेड नेशंस ने ये दिन मुकर्र किया था कि 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, और 2014 के बाद अब तक हर साल ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूनम चोपड़ा जी का आपका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। पूनम जी, जो मैं इंटरनेट पर थोड़ा बहुत सर्च कर पाया आपके बारे में, और आप बारे आगे और विस्तार से बता सकते हैं। यू बिलोंग्स टू हरियाणा, झज्जर डिस्ट्रिक्ट, और प्रॉपर बहादुरगढ़ से आप बिलोंग करते हैं। जी मैं ये देख रहा था कि मात्र 3 साल की उम्र से आपने खेलना शुरू कर दिया, जो मैं आपके बारे में पढ़ पाया। और 3 साल की उम्र से खेलते खेलते, और अर्जुन अवार्डी, जो आई बिलीव स्पोर्ट्स में एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, उस लेवल को आपने अचीव किया। 35 टाइम्स यू हैव रिप्रेजेंटेड अवर कंट्री। बहुत बड़े ये मान सम्मान की बात है कि 35 बार आपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, और जापान, जर्मनी और न जाने कितने देशों में कितने ही अवार्ड जीते। उन अवार्ड्स की लिस्ट अगर मैं यहाँ बोलूंगा तो हमारे पास समय कम हो जाएगा। तो पूनम जी, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि ये 3 साल की उम्र जो बच्चों की, वैसे ही छोटे छोटे, ये तो मतलब मैं कहूंगा कि चलने की उम्र होती है, और आपने खेलना शुरू कर दिया, और वो भी जूडो जैसा टफ टफ गेम। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि उस छोटी सी उम्र से कैसे इंटरेस्ट आपको जगा। एक्चुअली फर्स्ट गेम जो है मेरा क्रिकेट था। 3 साल की एज से मैं क्रिकेट खेलती थी और 10th में मैंने इसको चेंज किया। मेरी बड़ी सिस्टर जूडो करती थी, वो इंडिविजुअल गेम था। तो ओके। और उस समय जब आपने मे बी एक छोटेपन से खेलना शुरू करा हो, तो किस तरह से आपने वो तपस्या करी, अपने जीवन में वो त्याग किया कि एक अर्जुन अवार्ड आपने हासिल किया। तो हमारे सब दर्शकों के एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए अर्जुन अवार्ड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, और कैसे आपने उस हाईएस्ट लेवल को अचीव किया। नो डाउट तपस्या तो करी है, तो इसकी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली रही, ईश्वर रहे। और अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड है, ये नेशनल अवार्ड है, और ओके। किसी भी उसकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के बेस पे 29 अगस्त को दिया जाता है। हाँ जी, ओके। उस दिन बर्थडे होता है जो सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन आप कह लो हैं, अपना स्वर्गीय ध्यानचंद जी, उनके बर्थडे पे ये खास प्रोग्राम होता है और उस दिन ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और आपको जूडो क्वीन के नाम से भी जानते हैं पूनम जी, जो मैं इंटरनेट पर स्टडी कर रहा था आपके बारे में। तो यू आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव दिस अर्जुन अवार्ड, इज इट राइट, या इन जूडो इन जूडो। तो एक या और मैं पढ़ूंगा कि कुमारी टाइटल भी आपको रेसलिंग में दिया गया, तो ये कुमारी टाइटल क्या है। ये एक दंगल था। ये मन्ननाना में पंजाब में एक जगह है, हर साल होता है। तो उसमें भारत कुमारी जो है उसका मैंने खिताब जीता था। तो मैंने एक महीना, विनोद तोमर जी हैं डेसू अखाड़े में सिखाते हैं दिल्ली में, तो उनके अंडर मैंने प्रैक्टिस की थी। और जूडो और रेसलिंग ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बस ग्राउंड वर्क में फर्क है। तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और मुझे उसमें भारत कुमारी का खिताब मिला है रेसलिंग में भी। तो आपने जापान, जर्मनी और न जाने कितने कंट्रीज में कौन कौन से अवार्ड जीते, तो कैसे ये प्रेरणा मिलती है, और हम ये कैसे समझें कि जूडो तो एक सेल्फ डिफेंस का भी अच्छा गेम है, पर गर्ल्स इसमें कैसे आगे हैं, थोड़ा सा ये भी आप बताइए। मार्शल आर्ट में नंबर वन जूडो है, क्योंकि काफी ये जेंटल है, तो इसीलिए काफी ये आगे गया, नंबर वन हुआ है। ये स्कूल वगैरह में जैसे इसको लागू करना चाहिए, सभी स्कूल्स में इसको कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा गेम है जिससे
एक लड़की की विल पावर, और इमिडिएटली वो जो है अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकती है थ्रू दिस सेल्फ डिफेंस। तो मेरी यही रहेगी रिक्वेस्ट भी इस के माध्यम से बताना कि भाई स्कूल वगैरह में इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। ओके तो ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे तो 2013 में शुरू हुआ और ओलंपिक्स जो मैं समझता हूँ 1896 से शुरू हुए, लेकिन ये जूडो कब से शुरू हुआ और क्या इसका इतिहास है, कहाँ कौन सी कंट्री से ये शुरू हुआ? ये इसके फाउंडर जो हैं स्वर्गीय डॉक्टर जिगारो कानो जापान के ही थे, वो इसके फाउंडर रहे हैं, और स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर जी इंडिया में लेके आए थे इसको, और ये ओलंपिक्स में 1964 से है, ओके okay. और लड़कियों में फर्स्ट टाइम 1992 में ये ओलंपिक्स में पहली बार पार्टिसिपेट किया था लड़कियों ने, बट हमारी जो ये गेम है जूडो 1964 से ओलंपिक्स में है। और लड़कियों ने 1992 में अगर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, तो जहां तक मैं समझता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट हो तो 93 में आपने ये अवार्ड जीता। हाँ जी, मैंने 93 में एशियन चैंपियनशिप में पहले जीता था। दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। तो स्पोर्ट का पूनम जी ने बताया कि हमारी फिटनेस इसको कैसे मेंटेन रखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी होते हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा डाइट पे अपना बैलेंस रखना पड़ता है। तो उम्र के इस लेवल तक आते आते, एक लेवल तक आते आते अपनी फिटनेस को कैसे ये मेंटेन रख सकते हैं? रेगुलर जो है मतलब डाइट तो कंट्रोल आपको रखनी ही पड़ेगी, और दिन में 2 बार आपको फिटनेस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेंटल बैलेंस स्पोर्ट से कैसे बढ़ता है? बिकॉज स्कूल्स जूडो, हाँ जी हाँ में जी जब बच्चे जा रहे होते हैं जो उस स्पोर्ट्स को एक अडॉप्ट करने की उम्र होती है, तो एक तरफ उनके पास पेरेंट्स का ये प्रेशर होता है कि भाई नहीं पढ़ाई करो, खेलो मत, और वो खेलों में अगर कंसंट्रेट करते हैं तो एक आप जैसे एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंच पाते हैं। तो ये बैलेंस कैसे बना बना पाए बच्चे, ये थोड़ा सा आप संदेश दीजिए। एक्चुअली मैंने वर्ल्ड का करिकुलम देखा है, और मैंने खुद भी करिकुलम बनाया है वर्ल्ड का करिकुलम देख के। वहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्लास का डिफरेंट है करिकुलम स्पोर्ट्स का, और सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का अलग है, फोर्थ फिफ्थ का एक अलग है, सिक्स्थ में आके बच्चा जो है वहाँ के जो है सिलेक्ट कर लेते हैं भी बच्चे ने कौन सा गेम करना है। अगर एकेडमी में जाना है तो वो सिक्स से ही बेस बना लेते हैं, अभी 6 to 12 हमको एकेडमी में जाना है। ऐसी जो स्पोर्ट्स का बच्चा होगा 6 तक वो सब उनको रूल रेगुलेशन बता देते हैं, तो बच्चा सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे जूडो करना है या मुझे बास्केटबॉल करना है। हमारे यहाँ क्या है, फर्स्ट टू फाइव जो है सीबीएसई का एक टेबल है जो इंटरनेशनल स्कूल में भी चलता है, सीबीएसई स्कूल्स में भी है, फिर जब 6 में बच्चा आता है 6 to 8 वही क्रिकेट फुटबॉल बच्चा खेलता है, उसके बाद 9 10th का उसको होता है कि भाई मेरे को परसेंटेज लेनी है, और बच्चा जो है वो कंटिन्यू स्पोर्ट्स कर नहीं पाता। तो ये ग्रास रूट लेवल पर अगर करिकुलम चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चा 6th क्लास से इसको एज ए करियर अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको बिल्कुल विजन उसका क्लियर होगा कि मैं 6th क्लास में कौन सा मैं गेम सिलेक्ट करूं, कौन से गेम में मैं जा सकता हूं, थोड़ा करिकुलम चेंज होगा तो पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार इस पे जरूर काम कर रही होगी, जैसे आपके विचार हैं। जैसे हमारा देश 135 करोड़ देशवासियों का देश है, और जरूर हम समझते हैं हमारे देश में से टैलेंट उभर के निकल के आना चाहिए बाहर, ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा मेडल जीत कर पाए। तो जो आज का हमारा सब्जेक्ट है पूनम जी, स्पोर्ट्स फॉर पीस, तो इस स्पोर्ट्स का पीस से कनेक्शन कैसे बनता है, क्या कनेक्शन है दोनों का, आपस में क्या समझते हैं? मतलब जैसे हम ओलंपिक्स में वर्ल्ड में खेलने जाते हैं, सारी संसार की वहाँ टीम आती है, और वहाँ पे जो है फेयरली सारा गेम होता है, कोई रंग भेद नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे है भी रंग भेद का कोई वो नहीं है, कोई जेंडर वहाँ पे कोई नहीं है, फेयरली सारा जो है गेम होता है, और
कल्चरल, उनका इंटरकल्चरल भी हमारा होता है, इंटरनेशनल भी होते हैं, तो ये दैट इज जो है ये पीस देता है, पीसफुली सब कुछ हो जाता है। और जो डिसिप्लिन है, जो भी डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन इज मस्ट। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो पीस अपने आप ही आ जाएगा। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बड़ा, बात बताई कि जी कंटिन्यू हाँ करें। आपने ये जी अच्छी बात बताई कि क्योंकि स्पोर्ट्स में जेंडर का कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, कोई जाति पंथ नहीं है, इसलिए स्पोर्ट्स जो है वो शांति का संदेश देता है। तो पूरा जी मुझे एक एपिसोड याद आ रहा है, आज मैं अपने दोस्त से चर्चा कर रहा था शाम के कार्यक्रम की, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी एक मूवी आई है 83। हाँ, मैंने वो मूवी नहीं देखी, पर एक क्लिप उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिखाई कि ये जो 1983 में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने क्रिकेट में, तो उसके ऊपर वो मूवी बनी है। तो मूवी में एक सीन ये आता है कि इंदिरा गांधी ऐसे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रही है, उस समय देश में कुछ सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं। तो एक मंत्री इंदिरा जी को सजेशन देते हैं कि दंगों को रोकने के लिए आप पूरे देश में क्रिकेट दिखाइए, बिकॉज वर्ल्ड कप चल रहा है। यू एंगेज द एंटायर कंट्री और दैट अफेक्टेड एरिया टू सी द क्रिकेट और टू सी द गेम, एक्चुअली स्पोर्ट्स। तो लोगों का ध्यान उन दंगों से हटकर जब स्पोर्ट्स की तरफ आएगा, खेलों की तरफ आएगा, तो उनके दिमाग में शांति आएगी, ऐसा उस मूवी में एक संदेश दिया है। तो यू आर वेरी राइट कि जेंडर बेस से ऊपर, धर्म से ऊपर ये स्पोर्ट्स है, इसलिए ये एक हमें शांति का संदेश भी देता है। तो आपका कोई ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान, किसी खेल के दौरान, जहां पर एक अच्छा शांति का संदेश आपने सोचा हो कि दिस कुड बी ए गुड एग्जाम्पल? कुछ हैं, दो तीन वाक्य हैं। जापान में जैसे मुझे एक चेन और एक मुझे गोल्ड की अंगूठी मिली थी, वो मैंने फिर रिसेप्शन पे जमा करा दी थी। तो वो लड़की मतलब ऑस्ट्रिया की थी, वो फिर मेरे पास आई, उसने वहाँ पे पूरे सबको बताया भी इंडियंस ऐसे होते हैं। मेरा मतलब रिटर्न मेरे को इन्होंने करा है, ये मेरी मदर का गिफ्ट है ये। उसने मुझे थैंक्स भी बोला, और उसने मतलब एक इंटरेक्शन ऐसा हुआ बहुत पीसफुली, जिससे उसने हमारी कंट्री को बहुत अच्छा समझा। जी और जी बाद में उसने मेरे को लेटर वगैरह लिखा, एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो ये जैसे बाहर खेलने गई तभी ये पॉसिबल हो पाया। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो बाहर जाके जब आप इंटरेक्शन करते हो तो आप मतलब पीसफुली जो है हर चीज हो जाती है। नहीं तो अभी आप देख रहे हो कि एट प्रेजेंट लड़ाई जैसे चल रही है बाहर दो कंट्रीज के बीच में। तो स्पोर्ट्स इतना पावरफुल है, गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है ये, जब दो देश के खिलाड़ी मिलते हैं चाहे कैसे भी उनकी हेलो हाई हुई हो, तो वो लॉन्ग लाइफ तक आगे तक पीसफुली फ्रेंडशिप में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये लेकिन किस्सा इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट टेस्ट मैच, क्रिकेट मैच एक ऐसा मैं कहता हूँ गेम है जो जहां पर हमें शांति की बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी वहां होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन भी वहीं पे होता है। लेकिन चलो एक एक वो जरिया तो है इंडिया और पाकिस्तान का इंटरेक्शन इंट्रैक्शन का, वही का वेरी राइट जी। हाँ जी। तो जी बिल्कुल ठीक है, आपने खेलों के माध्यम से दो देश भी आपस में नजदीक आ जाते हैं और दो दिल भी आपस में नजदीक आ जाते हैं, शांति की स्थापना हो सकती है। तो एक और अपना एक्सपीरियंस बताएं पूरन जी, मेडिटेशन का स्पोर्ट्स से कुछ कनेक्शन है? हाँ जी, हमारे जूडो से तो है, क्योंकि जब भी हमारा ग्राउंड वर्क वगैरह होता है या वैसे भी कंपटीशन से पहले हम मेडिटेशन रेगुलर तो करते ही हैं। जिस दिन हमारा ग्राउंड वर्क होता है कंपटीशन से पहले भी हम जो है मेडिटेशन करते हैं, साइलेंट रहते हैं ताकि हमारा कंसंट्रेट जो है वो अप हो, और जो हम करना चाहते हैं वो मेडिटेशन के थ्रू एक कंसंट्रेशन के थ्रू हम एग्जैक्टली वही करें जो हमने सोचा हुआ ठाना हुआ है।
और स्पोर्ट्स से पहले मेडिटेशन करते हैं तो माइंड पीसफुल रहता होगा, और पीसफुल माइंड के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो आई बिलीव पीस ही स्प्रेड करेंगे, तो स्पोर्ट्स फॉर पीस अपने अपने एक सार्थक शब्द बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल तो हम करते ही हैं, किसी चाहे छोटे कंपटीशन के लिए या बड़े के लिए, लेकिन मेंटल हम अपना कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो मेंटली हम थ्रू जो है मेडिटेशन के थ्रू हम अपना मेंटल लेवल अपना जो है अप करते हैं, तो फिजिकली और मेंटली अगर हम फिट हो गए तो ऑटोमेटिकली हम अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट देंगे तो पीस हमारे अंदर आएगा ही आएगा। पूनम जी, आजकल आप अगली अगली आने वाली जनरेशन्स को कुछ कोचिंग भी दे रहे हैं, या किस तरीके से आप समाज को, जो भी कुछ आपने सीखा है, समाज को किस तरीके से आप आगे दे रहे हैं? हाँ जी, मेरी यही इच्छा भी रही है कि जो मैंने इतना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आगे बच्चों को दूं, और बच्चे जो हैं देश के लिए मेडल लेकर आए और बच्चों की तरह। तो मैं आजकल हरियाणा गवर्नमेंट के साथ सीनियर जूडो कोच हूँ बहादुरगढ़ में ही। मेरे पास हाँ 41 के करीब बच्चे हैं, तो 3 साल से मैं उनको ट्रेनिंग दे रही हूँ। 3 साल से। तो 3 साल हो गए। हाँ जी, जैसे आपने 3 साल की उम्र से खेलना शुरू किया, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि किस उम्र से बच्चे आपके पास आने चाहिए ताकि वो आपकी तरह भारत का नाम रोशन करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? मेरे पास अभी एक बच्चा आ रहा है जो 5 साल का हो गया है, 2 साल से रेगुलर। वो 3 साल का था, वो तब से है मेरे पास वो, और उसकी सिर्फ जूडो में एज है 5+ हम लोग लेते हैं, लेकिन वो बच्चा इतना पैशनेट था कि मेरी सिस्टर आ रही है तो मैं भी आऊंगा। पर जूडो कुछ ऐसा भी गेम है कि इसमें पिटाई ज्यादा होती है, लाइक जब सामने वाला पंच मारता है तो अपने ऊपर पड़ता है, तो ऐसे ऐसे में बच्चे डरते नहीं है कि ये गेम थोड़ा रिस्की है, इसमें कुछ डैमेज भी हो सकता है फेस पे बॉडी में? नहीं, वो डरते नहीं है क्योंकि जूडो जो है हमारे इसमें किक और पंच नहीं है, जेंटल गेम है। अच्छा, दांव कुश्ती में दांव होते हैं, सामने वाले को पटकना है बस, वो है मतलब किक और पंच वगैरह नहीं है, तो बच्चे इससे डरते तो नहीं है। प्लस ये अपनी सेफ्टी के लिए है, अपनी तो सेफ्टी के लिए। हाँ इसका यही मेन है कि भी अपनी हमने सेफ्टी करनी है, हमने नहीं किसी से लड़ना। अगर किसी ने हमारे पे अटैक किया तो हम कैसे उसको अपने आप को डिफेंस करेंगे तो सेल्फ बच्चे डिफेंस के को? लिए हमने बात कर ली, हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ जितने भी लोग हमारे माध्यम इस इंस्टाग्राम के माध्यम से अभी सुन रहे हैं, या ये लाइव सेशन जा रहा है बाद में भी सुनेंगे, तो इससे प्रेरणा लेंगे आने वाली जनरेशन्स की, एक सेल्फ डिफेंस के लिए हम स्पोर्ट्स को अपनाएं, जूडो को अपनाएं, दूसरा मेंटल पीस के लिए आपने जैसे बताया, और चूंकि हम जब स्पोर्ट्स करते हैं तो हमारा माइंड भी क्लीन और क्लियर हो जाता है, तो जैसे आपने अपना एक एग्जाम्पल दिया वो गोल्ड की चेन और जो अंगूठी आपने वापस करी उनको वहां पे जिसकी भी खोई थी, तो ये दिस शोज द डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, राइट? नहीं। तो खेलों के साथ साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो बच्चे आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे मीडियम फैमिली से ही होते हैं ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, आगे करियर बनाना चाहे तो स्पोर्ट्स कर सकता है, उसका आगे जो है करियर सेफ है। और जूडो तो ऐसा गेम है कि हर लड़की को सीखना चाहिए, इससे उसकी विल पावर बहुत ज्यादा अप होती है और वो इंडिविजुअली अपने आप को सेव कर पाती है, इवन जो साथ होता है उसके उसको भी सेव कर पाती है, जो आजकल का एटमॉस्फेयर जैसे चल रहा है। तो बहुत डिफरेंट गेम भी है, सीखना चाहिए हर किसी को। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ जिन भी देशों में आपस में क्लैश होता है, जैसे हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और हम सभी, हमारी सरकारें भी और उनकी सरकारें भी खेलों के माध्यम से ही शांति का कुछ समाधान ढूंढ रही है, कि क्योंकि इससे जो देश आपस में नजदीक आते हैं, दो संस्कृतियां आपस में नजदीक आती हैं, जिससे हम अमन चैन का कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ सकते जी, हैं। तो बहुत कुछ आप अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहें पूनम जी, आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को प्रेजेंट किया, जैसे एक एग्जांपल आपने दिया, इस तरीके से कोई और एग्जांपल जब आपके लिए मान सम्मान की बात रही हो, या जब आपने
वर्ल्ड ओलंपिक्स में पहली बार जीता, आई बिलीव फर्स्ट इंडियन वुमेन, आपने वहां पे खिताब जीता, तो आपकी क्या भावनाएं थी? मेरा 1993 में मकाऊ में चाइना में मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो 29 सालों में फर्स्ट टाइम सिल्वर मेडल आया था किसी इंडियन का। तो ना इंडियन फ्लैग नहीं था वहाँ, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि हम लोग मेडल लेके आएगा कोई भी इंडियन। तो वहाँ आधा घंटा मेरी जो है सेरेमनी रोक दी थी, फिर फ्लैग अरेंज किया, उसके बाद मेरी अच्छा, सेरेमनी हुई। तो फर्स्ट टाइम, और जापान के प्रेसिडेंट आए थे, तो उन्होंने बोला कि चलो इंडिया का खाता खुल गया, बहुत खुशी हुई। और हमारे कोच गए थे मिस्टर रामेश्वर दत्त, तो वो बहुत रोए थे एक रूम में कि मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया 29 सालों में मेडल लेकर आया है, तो खुशी के आंसू रोए थे वो। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ भी व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम किसी खिलाड़ी को देखते हैं तिरंगा लेकर वो स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, तो खुशी के आंसू, जैसे दंगल फिल्म हम सबने देखी, तो उसमें लास्ट में जब तिरंगा लेके वो मैदान में आते हैं तो खुशी के आंसू हम सबकी आंखों में भी आई जाते हैं। और उसके बाद बीच में मेरा नी का मैंने ऑपरेशन कराया था, तो एक साल में जा नहीं पाई, मेरे फादर भी काफी बीमार थे। तो जब मैं नहीं गई, तो वहाँ की एक जापान की प्लेयर है, बहुत मानी हुई प्लेयर है वो, तमूरा, तो वो पूछती थी कि वेयर इज चोपड़ा, व्हाई शी इज नॉट कमिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उससे पहले किसी इंडियन प्लेयर का नाम भी नहीं कोई जानता था, लेकिन जो मेरा मेडल आया सबकी दुआओं से, तो उसके बाद जब उसने पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इंडियन का। तो और काफी प्लेयर भी खुश हुए थे कि चलो किसी इंडियन प्लेयर का तो किसी जापानीज उसको मालूम है। हाँ जी, तो दो जी तीन हाँ, एक्सपीरियंस ऐसे तो हुए वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम जी। आपने बड़े अच्छे शब्दों में ये बताया कि खेलों के माध्यम से दो सभ्यताएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, दो संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं, बहुत सारे व्यक्ति और व्यक्तित्व आपस में मिलते हैं, जिससे अमन चैन का एक संदेश दो देशों के बीच में आदान प्रदान होता है, तो किसी भी समस्या का समाधान हम खेलों से ढूंढ सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि जब दो टीम खेल रही है तो एक जीतेगी एक हारेगी, तो इससे हार को एक्सेप्ट करने की भी एक आदत पड़ जाती है, तो जिससे आदमी के मन में बहुत ज्यादा कई बार हाइपर होता है, तो खेलों के माध्यम से यदि उसको हार को एक्सेप्ट करने की जब प्रैक्टिस होगी तो बड़े अमन चैन या शांति की हम कह सकते हैं, इसका भी एक संदेश हमें मिलता है। स्पोर्ट्स से काफी टॉलरेंस लेवल अप होता है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम जी। मैं समझता हूँ आज आप भोपाल में ट्रेवल कर रहे हैं, फिर भी आपने आज समय हमारे लिए निकाला, आप अपने होम टाउन में नहीं है, बाहर कहीं नहीं, भोपाल में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी सर, व्यूअर्स लिसनर जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, ओम शांति। जय हिंद, थैंक यू। Thank you.